नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज की जो सीरीज़ थी मई की, उसकी आज एक्सपायरी हो गई है। अब हमारे लिए तो काम ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि कल से नई सीरीज़ की स्टार्टिंग है। इस मंथ का लास्ट ट्रेडिंग डे है और इस वीक का भी लास्ट ट्रेडिंग डे है। तो चलते हैं जल्दी इसे ऑप्शन चेन डाटा में देखते हैं, नई सीरीज़ में कैसा डाटा बन रहा है और वहाँ पर किस तरीके से राइटर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने कल एक वीडियो डाला था जिसमें कि हम सेलिब्रेट कर रहे थे 50,000 सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन वीडियो। आप देख सकते हैं ये वो वीडियो है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो इसको देख सकते हैं, बिकॉज़ नोटिफिकेशन शायद नहीं गया था तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे चैनल पे एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें 50% डिस्काउंट चल रहा है जो भी हम करेंट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके कुछ काम का हो सकता है तो आप उसके रिगार्डिंग आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने वीडियो पर। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ NSE की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे ये जो नई सीरीज़ कल से स्टार्ट हो रही है, जिसकी एक्सपायरी वीकली सीरीज़ की जो एक्सपायरी है 6 जून की है, इसमें कैसा डाटा बना हुआ है। सबसे पहले क्लोजिंग की बात करते हैं यहाँ पे। तो क्लोजिंग कितने पे आई है, देखिए 11,945 पे क्लोजिंग आई है। अब ये जो 11,5960 और 70 का जो जोन है, ये बहुत ही क्रिटिकल जोन है। यहाँ पे बार बार निफ्टी रुक रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो हमारे लिए ऊपर की अपसाइड 12,200 तक की ओपन हो जाएगी, क्योंकि फिर एक मोमेंटम चलता जाएगा। तो नज़र रखिएगा इस लेवल पे 11,955 से लेके 11,970 का। अगर ये एरिया निफ्टी क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो फिर एक अनदर अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या 12,000 इस सीरीज़ में भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल की बात करेंगे हम, वो है 11,800, जहाँ पे कि सबसे हाईएस्ट पुट राइटिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑलमोस्ट 11,51,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है अपार्ट फ्रॉम 11,000 की पुट के बाद। आप देख सकते हैं 11,000 की पुट पे ऑलमोस्ट 14,63,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है, 11,800 पे। तो 11,800 इस सीरीज़ के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है सपोर्ट के लिए। इसके बाद अगर 11,800 टूटता है तो आपके लिए 11,700 होगा, वहाँ पे भी आपका 7,32,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है कॉल में 12,72,000 का, जो कि है 12,000 के लेवल पे, और 12,000 की कॉल राइटिंग में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे इसी लेवल पे खड़ा है हाईएस्ट ओपन। यानी 12,000 आपके लिए इस लेवल में, इस सीरीज़ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए। हो सकता है मे बी मार्केट एक महीना और कंसोलिडेट करे और फिर बजट आए और बजट में फिर कुछ मोमेंटम बने, में भी ऐसा भी प्लान हो सकता है। तो फिलहाल आपके लिए जो दो इम्पोर्टेंट लेवल हैं वो 11,800 और 12,000 हैं। ये 200 पॉइंट की जो जर्नी है निफ्टी की, इसी के बीच में शायद हो सकता है ये अगले ये मंथ की जो सीरीज़ है वो भी निकल सकती है, क्योंकि जब तक कोई एक ऐसा होता है ना कि अब सरकार तो बन गई बट कुछ एक रिफॉर्म भी तो आए जिसको लेके मार्केट पॉजिटिव हो, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि निफ्टी ऑलरेडी एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो इस लेवल पे पीई पे ट्रेड करने पे ज़्यादा देर तक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ऊपर की साइड पे बिकवाली हाल आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अब कोई भी नेगेटिव संकेत आएगा तो निफ्टी बहुत तेज़ी से गिर भी सकता है, तो ये चीज़ इसीलिए यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ देखी जाए 11,900 की भी पुट, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 9,68,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन बताने के लिए देखिए कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटी जोन है। आज देखिए, आज एक्सपायरी के होते हुए भी निफ्टी ने सिर्फ कल की जो गिरावट थी उसको भर पाया। इतना स्लो स्लो चल रहा था, इतना स्लोली स्लोली कि कोई भी किसी भी चीज़ में पैसा नहीं कमा पाया, ना वो स्टॉक बाय करके कमा पाया ना सेल करके कमा पाया। अल्टीमेटली जो राइटर्स थे वो ही पैसा लेके गए हैं घर पर, बायर्स को कुछ नहीं मिला, स्टॉक वालों को कुछ नहीं मिला। तो ये चीज़ है कि इस लेवल पे आके बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, देखिए निफ्टी निफ्टी पी की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी का करंट पी कितना चल रहा है। ये देखिए अभी ये ओपन होता है,
ये देखिए करेंटली अभी अगर मैं बात करूँ 2019 में, देखिए ये मई मंथ का है 28.67, मतलब ये एक्सट्रीमली रेड चल रहा है। देखिए एक्सट्रीमली रेड का मतलब क्या है कि गिरावट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ है क्योंकि जब जब अगर आप कंपेयर करोगे देखिए कि जब भी निफ्टी 28 के पी के ऊपर ट्रेड किया है तो एक गिरावट आई है। तो इसीलिए यहाँ पे ऊपर की साइड पे आपको दिख रहा है कि कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं बन पा रहा है निफ्टी के अंदर, तो ये इसलिए ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जब जब निफ्टी ने क्रॉस किया, देखिए 27 के पी के ऊपर जैसे निकलता है, ये देखिए 28 पे एक गिरावट देखी गई थी यहाँ पे। तो यही चीज़ यहाँ पे क्लियर दिख रही है यहाँ पे इस निफ्टी पर्टिकुलर ऑप्शन चेन पे भी, कि ऊपर के लेवल पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। देखिए फिलहाल अभी ऑप्शन चेन देख के तो ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, बट फिर भी एक ही है कि यहाँ पे अगर आपको 12,000 के ऊपर कभी कोई गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आप एक पुट लेके काम कर सकते हो। बाकी नीचे अगर आपको 11,800 के पास मार्केट मिलता है तो आप एक कॉल लेके काम कर सकते हो। ये फिलहाल के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन रही है इसके अंदर। तो एक बार हम डाओ फ्यूचर को देख लेते हैं यहाँ पे कि डाओ फ्यूचर कैसा ट्रेड कर रहा है, ताकि हमें और पता चल जाए कि कहीं ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। देखिए करीब 83 पॉइंट गैप अप ओपनिंग के संकेत दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए जो संकेत होंगे वो थोड़े से पॉजिटिव ही रहेंगे। तो नज़र रखिएगा अब इन्हीं लेवल पे, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 11,800 और 12,000 का। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।